मेरा नाम अनुपमा चौधरी है और इस टाइम में आपका स्वागत है। वंस अगेन आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, एक नया साल, एक नई शुरुआत। फ्रेंड्स, 2019 में भी मेरा प्रॉमिस है आपसे कि इसी तरीके से रॉयल स्टाइल पर बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस, बहुत ही नॉलेज वाली वीडियोस और बहुत ही अमेजिंग वीडियोस मैं आपके लिए रेगुलरली अपलोड करती रहूंगी। और फ्रेंड्स, मैं रेगुलरली लाइव भी आती हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि आप किस तरीके की वीडियोस रॉयल स्टाइल पर चाहते हैं। अभी मैं रिसेंटली जब लाइव आई थी तो आप सभी ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया था कि हमारे फेस पे ब्लेमिशेस हैं, पिंपल्स हैं, झाइयाँ हैं, पिंपल्स के स्कार्स हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, ब्लैक स्पॉट्स हैं, इससे रिलेटेड बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी मैं आपके साथ में शेयर करूँ। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं आपके लिए रेमेडी लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स देगी, जिसे करना बहुत ही ज़्यादा आसान है लेकिन उसके रिजल्ट्स बहुत ही बढ़िया हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने रॉयल स्टाइल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने कर लिया है तो आपका थैंक यू सो मच। और वीडियो को तो फटाफट लाइक कर दीजिए और शेयर भी आप जरूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करिएगा, वहां पर हमारी खूब मस्ती चलती रहती है। जो भी हमारे लाइफ अपडेट्स है वो सब मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। फेसबुक पर भी मेरे पेज रॉयल स्टाइल को जरूर लाइक करिएगा। तो चलिए रेमेडी को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ में एक बहुत ही इफेक्टिव फेशियल शेयर करने जा रही हूँ जो हमारे ब्लेमिशेस, पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम को सही करेगा। फ्रेंड्स, इस फेशियल में हमारे चार स्टेप्स होंगे जिसमें हम सबसे पहले क्लिंजिंग करेंगे, उसके बाद हमारा स्क्रबिंग होगा, उसके बाद मसाज होगा और लास्ट में हमारा फेस पैक होगा। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इफेक्टिव फेशियल, आप इसको जरूर ट्राई करिएगा। हम इसे वीक में एक बार जरूर करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस रेमेडी के लिए सबसे पहले हम एक बड़ा आलू लेंगे, इसको हम पील ऑफ कर लेंगे। इसको अच्छी तरह से धोने के बाद में इसका छिलका उतार लेंगे। मेनली हमें इसका जूस चाहिए, पोटैटो का हम जूस निकालेंगे। फ्रेंड्स, ये जूस हमारी स्किन के लिए इतना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। जो भी ब्लेमिशेस हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, हमारे पिंपल्स के स्कार्स हैं, वो सारा कुछ ये पोटैटो जूस बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लीन करता है। इसका छिलका उतारने के बाद एक बार हम इसे साफ पानी से ज़रूर धो लें। जो हमारा पीने का पानी होता है उसमें धोएंगे हम इसको अच्छी तरीके से। इसका छिलका उतारने के बाद इसको हम ग्रेट करके भी इसका जूस निकाल सकते हैं, और इस तरीके से मिक्सी में भी पीस के छोटे छोटे पीस हम मिक्सी में डाल लेंगे और इस तरीके से भी हम इसको पीस सकते हैं। मेनली हमें इसका जूस चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमने इसे पीस लिया, अब हम इसका जूस निकाल लेंगे इसमें। फ्रेंड्स, ये पोटैटो जूस के अंदर विटामिन बी होता है, सी होता है, पोटेशियम होता है, जो बहुत ही बढ़िया काम करता है हमारे डार्क स्पॉट्स को सही करने में। हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, हमारी स्किन की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, इसके साथ साथ में हमारी स्किन की वाइटनिंग में बहुत ही बढ़िया काम करता है, हमारे एजिंग के प्रोसेस है उसको स्लो डाउन करता है, फेस पे अगर रिंकल्स की प्रॉब्लम है तो उसको भी ये सही करता है। तो फ्रेंड्स, हमने ये पोटैटो जूस निकाल लिया, अब हम सबसे पहले क्लिंजर बनाएंगे। उसके लिए हम ये एक चम्मच पोटैटो जूस को लेंगे और इसमें हम थोड़ा सा हनी मिक्स करेंगे। ये आधा चम्मच के आसपास हम इसमें हनी मिक्स करेंगे और इन दोनों को आपस में बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। एक हमारा बहुत ही बढ़िया क्लिंजर तैयार है। फ्रेंड्स, ये हनी के अंदर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो बहुत ही बढ़िया काम करती हैं अगर हमारे फेस पे एक्ने वगैरह की प्रॉब्लम भी है। ये फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स होता है जिससे ये हमारे एजिंग के प्रोसेस को स्लो डाउन करता है और कॉम्प्लेक्शन बूस्ट करने में तो बहुत ही बढ़िया काम करता है। और हम सभी को मालूम है कि हनी तो एक्सट्रीमली मॉइस्चराइजिंग और सूदिंग होता है हमारी स्किन के लिए, तो विंटर्स में तो ये बहुत ही बढ़िया काम करेगा। तो चलिए इससे हम अपने फेस को क्लीन करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने फेस पे बैंड वगैरह बांध लेंगे ताकि हमारे बाल बाल खराब ना हो, और हम सबसे पहले क्लिंजिंग करेंगे। तो हम ये क्लिंजर लेंगे और कॉटन पैड से या कॉटन की हेल्प से अपने फेस को बहुत अच्छी तरीके से साफ करेंगे, हल्का सा दबाते हुए, ताकि पूरा ये हमारे स्किन के अंदर जाए और हमारे फेस को बहुत ही अच्छी तरीके से क्लीन करे। जो भी इम्प्योरिटीज वगैरह है हमारे फेस के ऊपर वो सब बिल्कुल साफ हो जाए।
इससे अपने फेस को साफ करने के बाद में फिर हम अपने फेस को वॉश नहीं करेंगे, इसके ऊपर ही हम स्क्रबिंग करेंगे। अब हम अपने स्क्रब को किस तरीके से तैयार करेंगे चलिए देखते हैं। स्क्रब के लिए हम ये कॉफी पाउडर लेंगे और इसमें हम थोड़ा सा ये पोटैटो जूस को ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, स्क्रब बहुत ही बढ़िया काम करेगा हमारी स्किन से डेड सेल्स को हटाने में। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारा स्क्रब तैयार है। तो ये हमारा स्क्रब तैयार है, अब हम इस तरीके से अपने फेस पे स्क्रबिंग करेंगे। पहले इसको पूरा अपने फेस पे फैला लेंगे, फिर 2 से 4 मिनट इसके हल्के हल्के हाथों से मसाज करेंगे। इस तरीके से फिंगर टिप से हम हल्के हल्के हाथों से राउंड मोशन में मसाज करेंगे, तो जितना भी हमारा डेड स्किन वगैरह है वो सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके 2 मिनट हल्के हल्के हाथों से मसाज करने के बाद में फिर हम इसे वॉश कर लेंगे। फेस वॉश करने के बाद में फिर हम अपने फेस को स्टीम देंगे। अगर हमारे पास स्टीमर है तो हम स्टीमर से अपने फेस को स्टीम देंगे, अगर नहीं है तो फिर हम गर्म टॉवल से भी अपने फेस को स्टीम दे सकते हैं। इस तरीके से गर्म टॉवल लेंगे और अपने फेस पे इस तरीके से करेंगे। फिर हम ये ब्लैकहेड रिमूवर लेंगे और इससे अपने ब्लैकहेड्स निकालेंगे। एक कॉटन ले लेंगे, इसमें थोड़ा सा हम पोटैटो जूस को लगा देंगे। इस तरीके से थोड़ा सा पोटैटो जूस लगाने के बाद में फिर हम अपने ब्लैकहेड्स निकालेंगे। इसे हल्का हल्का प्रेस करते हुए इस तरीके से हम अपने ब्लैकहेड्स को निकालेंगे। ब्लैकहेड्स निकालने के बाद में अब हम फेस मसाज करेंगे। किस तरह से अपनी मसाज क्रीम तैयार करेंगे चलिए देखते हैं। उसके लिए हमने ये 1 चम्मच दही लिया है, इसमें हम थोड़ा सा ये पोटैटो जूस को ऐड करेंगे और हमारी मसाज क्रीम तैयार है। तो हमारी ये मसाज क्रीम रेडी है, अब हम इसे मसाज करेंगे। फ्रेंड्स, ये दही में भी लैक्टिक एसिड होता है जो बहुत ही बढ़िया काम करता है हमारे फेस से दाग धब्बे हटाने में। इस तरीके से पूरा इसको अपने फेस पे फैला लेंगे और इसकी हम 5 से 10 मिनट हल्के हल्के हाथों से मसाज करेंगे। इस तरीके से हम अपने फेशियल के स्टेप्स करेंगे, ये चिन से लेते हुए ईयर तक आएंगे, 1, 2, 1, 2। उसके बाद ही लिप्स के आसपास हमारे जो कालापन होता है, लिप्स के आसपास ड्राइनेस होती है, उसमें बहुत ही बढ़िया काम करेगा ये। इस तरीके से हम फिंगर्स को ऊपर नीचे करेंगे, फिर हम नोज के आसपास करेंगे, नोज के साइड में बहुत अच्छी तरीके से करेंगे ताकि कोई भी डस्ट वगैरह इम्प्योरिटीज है तो बिल्कुल क्लीन हो जाए हमारा फेस। थोड़ा सा और ले लेंगे हम और फिर हम चीक्स के ऊपर नीचे करेंगे इस तरीके से, 1, 2, 1, 2। जब हम नीचे हाथ लेके आएंगे तब हमारे फिंगर टिप्स का प्रेशर बहुत ही हल्का होना चाहिए, लेकिन जब हम ऊपर जा रहे हैं तब हल्का सा होना चाहिए। सेम इसी तरीके से हम इधर करेंगे, फिर इस तरीके से हम फॉरहेड पे करेंगे, ये अपने इस हाथ को ऐसे रखेंगे और इसको ऐसे रखेंगे, उसके बाद ये ऊपर जाएगा हमारा और ये इधर की तरफ जाएगा, 1, 2, 1, 2, 1, 2, इस तरह से करते हुए। ये हम फ्रेंड्स जो स्टेप्स करते हैं इससे हमारा स्किन का ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करता है, उससे फिर और ज्यादा ग्लो हमारे स्किन के ऊपर आता है। हमारी आईज के अंदर नहीं जाना चाहिए, लेकिन आईज के नीचे जो डार्क सर्कल्स होते हैं वहां पर हम इसे बहुत अच्छी तरह से करेंगे हल्का हल्का रिंग फिंगर की हेल्प से। अपने नेक को भी हम जरूर कवर करेंगे साथ में, अगर हमारे नेक पे भी हमें कालापन लगता है, यहाँ पर लाइंस लगती हैं, तो उसमें भी बहुत अच्छा काम करेगा। इस तरीके से 1, 2, 1, 2। इस तरीके से फेस पे 10 मिनट इसकी मसाज करने के बाद में फिर हम इसको वॉश कर लेंगे। हमें अपने हाथों को बहुत हल्का हल्का चलाना है, बहुत ज्यादा नहीं दबाना, अपने फेस को बड़े प्यार से हमें फेशियल को करना है। तो फ्रेंड्स, हमने अपने फेस को वॉश कर लिया, अब हम फेस पैक लगाएंगे।
और फ्रेंड्स लास्ट में हम फेस पैक तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने ये थोड़ा सा बेसन लिया है, इसमें हम पोटैटो जूस को ऐड करेंगे और हम इसमें बादाम रोगन मिक्स करेंगे। ये एलमंड ऑयल है, 100% प्योर एलमंड ऑयल हम इसमें मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स अगर हमारी ऑयली स्किन है तो हम इसके 4 से 5 ड्रॉप्स ऐड करेंगे और अगर हमारी नॉर्मल टू ड्राई स्किन है तो हम आधे चम्मच के आसपास इस बादाम रोगन को मिक्स करेंगे। इस तरीके से हमारा फेस पैक तैयार है। फ्रेंड्स हमारा ये फेस पैक रेडी है, इसको हम इस तरीके से ऊपर उठाते हुए फिंगर की हेल्प से लगाएंगे। इस तरीके से पूरे फेस पैक को लगाने के बाद में हम 15 मिनट के लिए इसको इसी तरीके से लगा रहने देंगे, उसके बाद हम अपने फेस को वॉश कर लेंगे। तो फ्रेंड्स हमने अपने फेस को वॉश कर लिया, अब लास्ट में हम बादाम ऑयल लेंगे थोड़ा सा और विटामिन ई के कैप्सूल लेंगे। ये मैंने ईवीएन 400 लिया है विटामिन ई का कैप्सूल, ये एक कैप्सूल लेंगे और हम दोनों को आपस में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये कैप्सूल का हम पूरा जेल निकाल लेंगे और जितना कैप्सूल का जेल है सेम उतनी ही क्वांटिटी में हम बिल्कुल कुछ ड्रॉप्स बादाम ऑयल की मिक्स करेंगे। इस तरीके से इनको बहुत अच्छी तरह से मिक्स करके फिर हम अपनी आईज के नीचे जहाँ पे भी हमें डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम लगती है, जहाँ जहाँ पे ब्लेमिशेस हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, वहां पर पहले लगाएंगे थोड़ा दबाते हुए। इस तरीके से दबाते हुए पहले वहां पर लगाएंगे, उसके बाद पूरे फेस पे हम इसकी हल्के हल्के हाथों से मसाज कर लेंगे। फ्रेंड्स ये बहुत ही इफेक्टिव फेशियल है, आप इसको जरूर ट्राई करिएगा। ये दाग धब्बे हटाने में, फेस पे एक नेचुरल ग्लो लाने में, चमक लाने में बहुत ही बढ़िया काम करेगा। हम इसे वीक में एक बार जरूर करेंगे और जिस दिन हमने ये फेशियल किया है उससे पूरे एक दिन तक हम सोप अपने फेस पे नहीं लगाएंगे। और अगर हमें अचानक बाहर जाना पड़ता है तो बिना सनस्क्रीन लगाए हम बाहर नहीं जाएंगे। सनस्क्रीन या फिर कोई भी मॉइस्चराइजर भी हम लगा सकते हैं। ये पूरा अपने फेस पे अप्लाई करने के बाद में फिर हम अपने फेस को वॉश नहीं करेंगे, इसको इसी तरह से लगा रहने देंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसको जरूर लाइक करिएगा, मेरी वीडियोस को आप शेयर भी जरूर कीजिएगा और रॉयल स्टाइल चैनल को तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम बहुत ही जल्दी मिलते हैं एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ में। तब तक लव यू ऑल, बाय, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।